भोजपुरी किंग पवन सिंह के गानों की तो पूरी दुनिया दीवानी है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े या फिर जवान। उनकी गायकी का डंका पूरे देश में बजता है। कुछ ही दिनों की बात है, पवन सिंह की तारीफ करते नजर आ रहा है पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा। गुरु से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो किस गाने पर डांस करना पसंद करते हैं, तो गुरु ने बिना सोचे समझे पवन सिंह का गाना गुनगुना दिया, जिस गाने के बोल हैं कमरिया करेला पलप लॉलीपॉप लायलू। पवन सिंह के बहुत बड़े फैन हैं और उनके गाने बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह है पवन सिंह की दीवानगी। पवन सिंह का एक और गाना जो यूट्यूब पर 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर चुका है, ये भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा योगदान है। भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना है और इसके बोल है छलका था हमारो जवानिया है राजा। जिस तरह से पवन सिंह दिन पे दिन एक नए गाने का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, तो इस तरह से उम्मीद लगाई जा रही है कि भोजपुरी को एक अलग मुकाम पर पवन सिंह लेके जाएंगे। पवन सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म क्रैक फाइटर की शूटिंग में लगे हैं। क्रैक फाइटर के बारे में बताया जा रहा है कि ये फिल्म भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की शूटिंग रांची के 7 जिलों में की जा रही है। ये फिल्म एक एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में संजीता बनर्जी पवन सिंह के साथ गर्दा उड़ाते नजर आएंगी। क्रैक फाइटर में गजनी के विलन, जिन्होंने आमिर खान के साथ काम किया था, वो इस फिल्म के विलन हैं। फिल्म का 50% शूटिंग हो चुका है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2019 में होली के शुभ अवसर पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। पवन सिंह का एक और फिल्म बॉस, जिसके निर्माता है प्रेम राय, बॉस की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इस फिल्म के एडिटिंग का काम चल रहा है। आशा लगाया जा रहा है कि ये भी फिल्म 2019 के फरवरी तक रिलीज कर दिया जाएगा। भोजपुरी की ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलोअप करें, जिस पेज का नाम है भोजपुरिया। धन्यवाद। जय भोजपुरी।